everyone, this is Aryan Kumar Jha from Aryan Education and Tricks. Today we are starting with question number 2 of SS 1.2 of NCERT class 6 Mathematics chapter 1 Knowing Our Number. So, Shikhar is a famous cricketer player. He has so far scored 6,980 runs in his test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does it need? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन से बदला पड़े. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर हो जाता है. क्रिकेट प्लेयर क्या होता है, तो जो क्रिकेट खेलते हैं सो बोलेंगे क्रिकेट प्लेयर. तो शिखर एक बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है. वो अभी तक 6,980 स्कोर कर चुका है, मतलब कि 6,980 रन बना चुका है अपने टेस्ट मैचेस में. ठीक है, टेस्ट मैचेस में वो टेस्ट होता है, टेस्ट का जो मैच होता है उसको बोलेंगे टेस्ट मैचेस. उसमें उन्होंने 6,980 रन बना चुका है. वो विश करते हैं कि वो 10,000 रन कम्प्लीट कर ले, मतलब कि उनका आशा है, उनका इच्छा है कि वो 10,000 रन कम्प्लीट करे. उनको और कितना चाहिए कि वो 10,000 रन को कंप्लीट कर पाए, तो उनको इसमें क्या करना पड़ेगा. उसमें आया है मैनी मोर रन डज ही नीड, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का इसमें हम लोग को होगा माइनस. ठीक है, हम लोग को माइनस किसको करना है, हम लोग को माइनस किसको करना है, हम लोग को माइनस करना है 10,000 को 6,980 से. देखते लोग कैसे करना है. हम लोग ये हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग जब भी लिखते हैं तो हम लोग को उसमें स्टेटमेंट से हम लोग उसका आंसर निकालना पड़ता है. देखिए लोग स्टेटमेंट कैसे बनेगा. फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगा ही विशेस टू स्कोर इन टेस्ट मैचेस. ठीक है, रूल लीजिए ही विशेष टू स्कोर इन टेस्ट मैच. वो अपने टेस्ट मैच कितने स्कोर करना चाहते थे, तो लोग कितने स्कोर करना चाहता था, 10,000 रन. वो अपने 10,000 रन स्कोर करना चाहते थे ना, कि वो टेस्ट मैच जो है वो अपने 10,000 रन कंप्लीट कर ले. ठीक है, उनका बड़ा क्या है, ही विशेष टू स्कोर इन टेस्ट मैचेस 10,000 रन देखते हैं. अगला स्टेटमेंट क्या बनेगा, ही हैज सो फार स्कोर्ड. ठीक है, he has so far scored in test matches. ठीक, तो हम लोग को हर जगह टेस्ट मैचेस क्यों लगाना है, क्योंकि टेस्ट मैचेस जरूरी है. 6,980 रन इसमें लिखना है हम लोग को. हमने बताना है कि वो कितना स्कोर हम लोग कर चुके हैं, शिखर ने कितना स्कोर कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में, कितना कर रखे हैं 6,980 कर रखे हैं रन ही नीड. ठीक है, उनका निकालो उनका रन कितना होगा. आप एक बात समझ लीजिए कि जब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, जब कोई स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट आपका इसी से जो आपको क्वेश्चन है ना उसी से स्टेटमेंट बन जाएगा. जैसा दे सकेंगे ही विशेष टू कम्प्लीट इन टेस्ट मैचेस इतना. He has so far scored in test matches. मतलब हम लोग को जितना भी ऐसे निकलता, जितना भी स्टेटमेंट निकलता है ना, वो सब आपको क्वेश्चन से ही निकलता है. मतलब क्वेश्चन जो है ना, वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, उसी से आपका आंसर्स निकलता है, उसी से आपका स्टेटमेंट का आंसर निकलता है. देखिए हम लोग को लास्ट स्टेटमेंट कितना होगा, मोर रन्स need. उसको और कितने रन चाहिए, उसको और रन चाहिए कितना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किए हैं 10,000 रन. उनका भी शिकार 10,000 करे, उन्होंने किया 6,980, तो इसका मतलब तो उनको ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए तो हम लोग उसको बताएं कितना ज्यादा चाहिए, बताएं कितना ज्यादा चाहिए, तो हम लोग उसको माइनस करना पड़ेगा. हम माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे 10,000 माइनस बाय 6,980. ठीक है, निकालते हैं हम लोग का 10,000 जो करा हम लोग को 6,980 निकाल दिए. तो वन इसमें ये नाइन हो गया, जीरो टू थ्री, इसे हम लोग 2020 30 20 चेक करते हैं इसको.
हम लोग खर्च कर लिया, ये हो गया 3020 रन। और मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी एक स्टेटमेंट में दो इक्वल टू इक्वल टू नहीं लगेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट में दो इक्वल टू नहीं लगेंगे, एक स्टेटमेंट में एक इक्वल टू ही लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3020 रन। तो इसी तरह हम लोग का ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग मिलेंगे। तो बाय बाय।